वेलकम टू टेक्निकल पॉइंट्स। टेक्निकल पॉइंट्स में खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि छः एरियन चार्जेस और एक यूसी का, इन सब मैप्स को एक ही फाइल में कैसे कंबाइन करना। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम अपने तमाम मैप्स ओपन कर लेंगे। यूसी का मैप भी ओपन कर लेंगे और तमाम एरिया चार्जेस के मैप्स भी ओपन कर लेंगे। ये हैवी सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। बाकी जो मैप्स हैं एरिया चार्ज 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट क्लिक करके ओपन करेंगे। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आपने कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और जो जो सिलेक्ट करनी है फाइल उनके ऊपर क्लिक करते जाना है तो ये मल्टीपल फाइल सिलेक्ट हो जाएंगे। ये थोड़ा सा वक्त लगेगा, 15-20 सेकंड तक लग सकता है, क्योंकि ये सारी फाइल हम इकट्ठी ओपन कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा वक्त लगेगा। जब एरिया चार्ज 1 का ओपन हो चुका है, अब 2 का, भी ओपन हो चुका है। ये ऐसे बार बार क्लिक नहीं करते रहना, जब सॉफ्टवेयर बिजी होता है तो फिर थोड़ा सा हमें वेट ही करना होता है। अगर हम ऐसे बार बार क्लिक करेंगे तो ये नॉट रिस्पॉन्डिंग पे आ जाएगा और इसके लिए हमें फिर दोबारा से ओपन करना पड़ेगा और हमारा टाइम ज़ाया होगा। इसलिए जब तक ये बिजी है, सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा है फाइल को, आपने वेट ही कर लेना है, यही बेहतर है। अब ये 6 मैप्स एरियन चार्जेस के और एक यूसी का ओपन हो चुके हैं। अब हमने करना क्या है, हमने इस यूसी मैप पे आना है, कंट्रोल शिफ्ट एस दबाना है या फिर फाइल पे क्लिक करके सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करके हमने इसको रीनेम कर लेना है और यहाँ लिख लेना है कंबाइंड मैप्स यूसी, ऐसा डायलॉग को डेट चेंज कर देंगे ताकि हमें पता रहे कि ये कब बनाना है। आज 27 है, हम 27 लिख देते हैं, ठीक है। इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। जब तक यहाँ पे नाम चेंज नहीं होगा उस वक्त तक हम इनको इसको नहीं छेड़ेंगे। ये सॉफ्टवेयर कॉपी भी कर रहा है और पेस्ट भी कर रहा है, नई फाइल जनरेट हो रही है, तो इसलिए ये थोड़ा सा 15-20 सेकंड के लिए वक्त लग सकता है। जब नाम चेंज हो गया तो अब हम इसको इसमें चेंजिंग जो भी करेंगे वो जो इस फाइल में होगी, ना कि वो यूसी वाले मैप में होगी। यूसी वाला मैप वैसे का वैसे हमारे पास महफूज हो चुका है। अब इसके अंदर हमने चूँकि कंबाइंड तमाम एरियन चार्जेस को इसमें कंबाइन करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने एरियन चार्जेस हैं उतने पेजेस क्रिएट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैं क्रिएट कर लिए। टोटल 7 पेज हो जाएंगे। पेज नंबर 1 पे यूसी का मैप आ जाएगा, पेज नंबर 2 पे एरिया चार्ज 1 का, हम यहाँ एरिया चार्ज 1 पे जाएंगे, तमाम का तमाम डेटा सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको पेज नंबर 2 के ऊपर आकर पेस्ट कर देंगे। इसी तरह एरिया चार्ज नंबर 2 पे जाएंगे, सारे का सारा एरिया सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और कंबाइंड फाइल में आकर पेज नंबर 3 पे पेस्ट कर देंगे। इसी तरह एरिया चार्ज नंबर 3 पे जाएंगे,
तमाम का तमाम एरिया कॉपी करेंगे और इसको पेज नंबर 4 पे पेस्ट करेंगे। अब आगे है पेज नंबर 4, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे पेज नंबर 5 पे। आगे एरिया चार नंबर 5। अब इसमें प्रॉब्लम आएगी कि ये जो लैंडस्केप बना, ये लैंडस्केप जो पोर्ट्रेट बना हुआ है, तो ये जब हम पीडीएफ फाइल क्रिएट करेंगे तो उस वक्त ये डेटा मिसिंग देगा। इसका हल क्या करना है हमने, वो हम या गौर से देख लें। इसको हमने करना है, इसको हमने मूव करना है 90 पे। मूव का ऑप्शन देखें डिसेबल नज़र आ रहा है, इसको कैसे मूव करेंगे हम, या मूव का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इसके लिए हमने करना यह है कि अनग्रुप पे क्लिक करना है। जैसे हम अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो अभी भी ये शो नहीं हो रहा, ये वन बाई वन करके ये जो हमारा ऊपर का होता है जो हमने बॉर्डर लाइन लगाई है, इसको अलहदा मूव कर लेंगे 90 पे और बाकी सारे को सिलेक्ट करके अभी भी नहीं हो रहा। तो हमने इसको ये जो है इसकी वजह से इसको अलग कर लें, इसको सेलेक्ट करके देखते हैं तो ये मूव हो जाएगा 90 पे। ये 90 पे मूव हो गया। अब हमने यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि इसको ऐसे सीधा ही लगा दें, इसको हमने मूव करके ही रखना है इधर, ताकि जब हमारा प्रिंट आएगा तो वो सीधा हो, ये ना हो कि यहाँ पे आप उसको ऐसे ही लगा दें, जब आप प्रिंट लें तो प्रिंट को जब पोर्ट्रेट पड़े तो ये उल्टा हो जाए आपका। ये मैं इनको अलग अलग सेलेक्ट करके देखें तो 90 पे हो गया। अब इसमें करना ये पड़ेगा कि जो बैकग्राउंड है ना, इसको हम सेलेक्ट करके अभी भी नहीं हो रहा, हम करके हमें 90 पे इसको मूव करना पड़ेगा। यहाँ आ गए, इनको साथ साथ ग्रुप करके जाए, इसको खास कर ग्रुप करते जाए, ऐसे मूव करते जाए। लेकिन अभी भी जो है, अब इसमें जो एक फाइल है ना ये वाली, इसकी वजह से जो है ये मूव नहीं हो रहा। इसको हम अगर अलहदा कर देंगे तो ये मूव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से ये पूरी फाइल मूव नहीं हो रही। हम इस तरह करते हैं, सारा वापस करते हैं यहाँ, ठीक है, इसको हटा देते हैं अंदर से, ताकि को 90 पे मूव कर लेते हैं। इसको यहाँ रख के उसके बाद इसको ऐसे ही हम यहाँ रखते हैं, ये हम 90 पे मूव हो चुका है, इसको सेव कर दें। चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिर अगली वीडियो लंबी हो रही है। अब ये सारे मैप इस पे आ गए हैं, अब हमने इसको प्रिंट के लिए एक्सपोर्ट करना है, तो हम इसकी एक पीडीएफ फाइल बना लेते हैं। पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग्स देख लेनी है कि कितनी फाइल जो है हमारी आ रही हैं, सारे पेज आ रहे हैं या के कम आ रहे हैं। सेटिंग्स के अंदर करंट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब है कि पूरे का पूरा जितना भी डेटा है इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारी।
सेव करके आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ये फाइल बन चुकी है कंबाइंड। इसको ओपन करके आप सेंड कर सकते हैं। ये भी क्रिएट हो रही है, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रही है। देखिए 52 MB की बन गई है, तो जब तक ये मुकम्मल नहीं होगी जो नहीं होगी ये कंबाइन मुकम्मल हो गई। 133 MB की ये बनी है फाइल, तो इसको हम ओपन करके देखते हैं। लेकिन ये अब आपके सारे मैप्स यहाँ शो हो गए हैं तरतीब के साथ। मेरे जय 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये जब प्रिंट किया जाएगा तो ये बेहतरीन प्रिंट आएगा, इसको बिल्कुल सीधा आएगा। तो उम्मीद है आप सीख गए होंगे कि मुख्तलिफ एरिया चार्जेस के अलग अलग मैप्स आपके पास मौजूद हैं, तो उनको एक ही फाइल के अंदर कैसे कम्बाइन करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बात जरूर याद रखें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा और अगली वीडियो में अब मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा कि एक यूसी का मैप है तो उसको हम 2 UCM मोड में कैसे डिवाइड करते हैं, और अगर एक यूसी का मैप है, पहले वीडियो बनाई है कि यूसी के मैप में से एरिया इंचार्ज मैप कैसे अलग करना है, तो आप देख लीजिएगा चैनल पर आकर आपको समझ आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।